गायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपाषद तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञान तीव्रांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री स्वामी कार्तिकेयान् प्रेक्षाणां ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः। तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमताचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंदकुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। कोटि शतम द्वादश्चैव कोटौ लक्षान चैतस्त्रिकान चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्र संख्यमेतत्स्फुटं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तम गणहर देवे गंतियम सम्मम पणमामि बद्धजुतो सुगुणाणभोव्यं सरसा। इच्छामि मते सुदुबत्ते कावसुगो कोदसालोचिं अंगुवंग पेनय पौड़े परिम सुतपणमाणि उपोगय चूलिया चेव सुतत्तय धुधमकायम सैनिष्काल मंचे मे पूजे भी मंदामि नमम सामी। दुख कौ कमको वोयुला सुगय गमनम समाय मृण जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अतः पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीश गुण समग्रे पंचव्याचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशल धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुभक्ति संजमेनिय तरंत संसार सायरम घोरम छुन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणमन पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र ओमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मावृता तपोधनुदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पान्त्रो नित्यं ज्ञानदर्शन नायिकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः। इच्छामन्ते आयुर्वत्तिकावसुगोदस्सालोचनं समनान समदंशन समचरजुत्तानं पंचव्याचाराणाम आयुर्याणम आयरादि सुनान उपदेशान वज्झायान तिरेन गुण पालरायान सौ साण सैनिच काल मंचे में पूजे भी मंदामि नमम सामी। दुख को कम को वोयिलाव सुगय गमनम समाय मरण जिर्गुण संपत्ति होद मध्यम। तिहुवन तिलयम देवम वंदित्ता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भविय जनानंद जननी। अशुचि अनुप्रेक्षा का विषय चल रहा है। पुण्य की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने एक पंक्ति दी है सर्वार्थ जी में। पुनाति आत्मानं पवित्री क्रियते आत्मा येन तत्पुण्यम। जिसके माध्यम से आत्मा पवित्र हो उसका नाम पुण्य है। वैसे देखा जाए मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं कि महाराज आत्म तत्व तो अमूर्त है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। आत्मा अमूर्त है वह किसी भी इंद्रिय का विषय जब नहीं बन सकता, वह अमूर्त आत्म तत्व उसको क्या पवित्र बनाना है? वह भी अपवित्र होता है क्या? अमूर्त आत्म तत्व है वह अपवित्र कैसा होता है? अपने परिणामों के माध्यम से ही अपवित्र हो चुका है। हो चुका नहीं बल्कि अनादि काल से इस आत्मा के साथ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का
और रागद्वेषादि भाव कर्मों का और शरीर का संबंध अनादिकालीन होने के कारण बीज वृक्ष की भांति यह परंपरा चली आ रही है जन्म और मरण की। इसके माध्यम से प्रति समय संसारी प्राणी दुख का, वेदना का, पीड़ा का संवेदन करता है। उसके माध्यम से आर ध्यान, रोद्र ध्यान होने के फलस्वरूप उसके परिणाम अपवित्र होते चले जा रहे हैं। उसको कोई भी रोक नहीं सकता और उसको पवित्र बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। किसके द्वारा पवित्र हो आत्मा? जिसके माध्यम से पवित्र हो उसका नाम पुण्य कहा है। और पुण्य क्या वस्तु है? वह भी एक अपने आप में पौद्गलिक मटेरियल है जो कि वो कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं और आत्मा को पवित्र बनाने में साधन के रूप में उपस्थित हो जाती है। किंतु ये भी ध्यान रखना, पुण्य कर्म का उदय होना अलग वस्तु, क्योंकि पूर्व में विगत जीवन में जो कुछ भी संसारी प्राणी ने पुरुषार्थ किया है फलस्वरूप पुण्य अर्जित हो जाता है और वर्तमान में समय पा करके वह उदय में आ जाता है। इतना तो उसका काम है, किंतु वह पवित्र कैसा बना सकता है? वह तो जड़ वस्तु है, आत्मा तो चेतन है और उसके पवित्रता में उसका क्या योगदान? पुण्य कर्म का उदय तो हुआ है, किंतु उसके माध्यम से हम यदि सदुपयोग करते हैं उस पुण्य का, तब कहीं जा करके आपको पवित्र बनाने में वह अपना योगदान देता है। आप पवित्र क्यों नहीं बना रहे? मैं उदय को प्राप्त हुआ हूँ, इस प्रकार आपको प्रेरित नहीं कर सकता। मनुष्यायु का आपने बंद किया, मनुष्य गति का बंद किया, उच्च कुल में अधिक में योग्य जो कुछ भी उच्च गोत्र है और अन्य और बहुत सारे जो सहयोग देने वाले पुण्य कर्म हैं उनका अर्जन आपने किया है, किंतु अर्जित पुण्य कर्म का सदुपयोग विरल ही व्यक्ति करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की वश की बात नहीं है। मैंने पहले भी प्रसंग के अनुरूप कहा था, पुनः उस विषय को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट किए बिना अनुप्रेक्षा का रूप बनेगा क्या? अनुप्रेक्षा इसी का नाम, मोहर मोहर चिंतनम पुनर पुनर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करिए, कितना करें महाराज, कितना करें है? करते 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 थक जाते हैं, किंतु सांसारिक कार्य करते करते थकावट का अनुभव आपको क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि उस क्षेत्र में आपकी रुचि है, लगन है, उत्साह है, वह प्राप्तव्य मान करके आप उसमें लगे हैं, इसलिए उसमें थकान की अनुभूति आपको नहीं होती। किंतु धार्मिक क्षेत्र में आते ही आपकी निद्रा की उदीर्णा होती है। महाराज क्या करें, सभा में बैठ जाते हैं उपदेश सुनने के लिए और दो पांच मिनट पे नहीं हो पाता और निद्रा का उदय हो आता है। यहीं पर क्यों होता है वो निद्रा का उदय? गुरुदेव ने कहा था, भोजन करते समय कभी निद्रा का उदय हुआ है क्या? छोटे बालक को छोड़ करके हैं, गोद का जो बालक है, शिशु है, उसको दूध भी पिला दो तो भी वह सोता रहता है उसको। लेकिन आपको कभी ऐसा अवसर आया है भोजन करते समय और नोट गिनते समय है? कहीं भूल करके नोट का बंडल नीचे हाथ से गिर गया हो झोंके के कारण है? झपकी आती ना, तो कहीं इस प्रकार का अवसर आया आपको
क्यों नहीं आता है? रात दिन परिश्रम करता है उसके लिए जिसको प्राप्त करना है, और उसके लिए वह जब पुरुषार्थ करता है उसके दृष्टि में और कुछ भी दिखता नहीं सिवाय उसके। जिसको मुझे प्राप्त करना है वही उसका लक्ष्य है, रात दिन उसके आंखों के सामने वही झूलता रहता है, इसलिए निद्रा वहाँ पर नहीं आती। और धार्मिक क्षेत्र में निद्रा इसलिए आती है क्योंकि धर्म का परिचय प्राप्त नहीं किया। जो वस्तु जितना परिचय में आता है उतना ही उस वस्तु से आकर्षित होता हुआ संसारी प्राणी अपने आप को भूल चुका है। उसके कारण ही परिणाम उसके कलुषित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसका भान भी नहीं रहता। कुछ ऐसी क्रियाएं होती रहती उसकी, उसको ज्ञात नहीं रहता कि इन क्रियाओं के माध्यम से पाप का भी अर्जन होता है। इतना हैबिचुअल हो जाता है कि वह उसमें मग्न हो जाता है, इतना लीनता उसकी आ जाती है कि वो समझ नहीं पाता कि इसके द्वारा कर्म का बंध हो रहा है। न कर्म दिखाई दे रहा है, न कर्म का बंध देखने में आ रहा है, न उदय देखने में आ रहा है, न सत्तागत कर्मों का कोई एहसास हो रहा है। इसके उपरांत भी उसको उस ओर दृष्टि नहीं करता चला जाता है। पशुओं की ओर दृष्टि रखते हैं, लगता है कि इसकी क्रियाएं, उसकी क्रियाएं भद्दी लगती हैं, हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप सभ्य माने जाते हैं और आपके दृष्टि में वह असभ्य माना जाता है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है सुनो, कौन सभ्य है और कौन असभ्य है। पशु जीवन में भी उपदेश सुन करके जाति स्मरण आदि के माध्यम से बोध प्राप्त कर लेता है और उसको हेय और उपादेय का ज्ञान हो जाता है, भले आपकी दृष्टि में वह असभ्य है किंतु समोसरण में भी एंट्री होती है कि नहीं, समोसरण में भी प्रवेश पा लेता है। और एक अभव्य है वो बाहर ही घूमता रहता है। कौन असभ्य है बोलो? मनुष्य होने के उपरांत भी वह अपने आप के पर्याय का ज्ञान नहीं कर पाता और हे और उपादेय से वह दूर रहता है और हे को उपादेय और उपादेय को हे मान करके विपरीत उसकी बुद्धि हो जाती है और अपने आप के उस पर्याय को वह यूं ही व्यतीत कर लेता है। और आत्मा को पवित्र कौन करेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति ने मनुष्यायु का या मनुष्य गति का बंध किया है, मनुष्य गति का ही नहीं उसमें भी उच्च कुल में आया है, सारे के सारे मोक्ष मार्ग के योग्य साधन को प्राप्त कर लिया है, इसके उपरांत अब आत्मा को पवित्र कौन कराएगा? कर्म का उदय, उदय तो अभी भी चल रहा है। कितने लोग हैं इंदौर में देख लो आप, रात दिन सड़क चलती है, सड़क नहीं सड़क के ऊपर चलते हैं लोग, कहने में आता है सड़क बहुत चलती है। तो रात दिन इस प्रकार का ये जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा के माध्यम से उनका क्या, वो अपने आत्म तत्व को जानते हैं क्या? वो जड़ है क्या? संवेदन शून्य है क्या? वो संवेदन शून्य तो नहीं है, किंतु संवेदन होना मात्र पर्याप्त नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी संवेदन होता है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि संवेदन यदि नहीं होगा तो वह जड़ कहलाएगा। जड़ नहीं है वो, वह चेतन है। इसके उपरांत भी वह संवेदन कर्म के साथ चल रहा है। राग द्वेष मोह मद ईर्ष्या आदि इन कालुष परिणामों का ही वह संवेदन कर रहा है, इसलिए वह संवेदन किसी भी प्रकार से मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं होता।
तो उन परिणामों के द्वारा आत्मा कभी भी पवित्रता का अनुभव नहीं कर सकती। आत्मा को पवित्र बनाने वाला कौन है? पुण्य कर्म है, ये कहने में तो आ रहा है, किंतु पुण्य कर्म का उदय होने के उपरांत भी उसके माध्यम से हम धार्मिक क्षेत्र में उस पुण्य का उपयोग यदि नहीं करते हैं तो वह उदय में आकर के चला जाएगा, पुनः वापस आप हाथी खाली हाथ ही रह जाओगे। बड़े परिश्रम करके तो पुण्य अर्जित किया है और वर्तमान में यदि उस पुण्य का फल भोगता भोगता ही एकमात्र जीवन को व्यतीत करता है तो वह खाली होता चला जा रहा है। उसका जेब जो है ना अब भरा नहीं रहेगा, खाली होता चला जा रहा है। बहुत श्रम करता है लड़का, किसके लिए? उसको क्या चाहिए? मेले के लिए छोटे बच्चे पैसे एकत्रित करते हैं, एकत्रित करते हैं क्योंकि बार बार मांगने के उपरांत, उस समय की बात कह रहा हूँ, आज तो ठीक है, उस समय चौवन्नी मिल जाए, पाँच पैसा दस पैसा भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है कि जेब खर्च कितना है, 500 रुपये 1000 रुपये वो कम हो जाता है उसके लिए, जेब खर्च के लिए। उस समय 500 रुपये में पूरा परिवार चल जाता है एक साल के लिए। 500 रुपये यदि मान लो आ गया तो उसके माध्यम से उसका जीवन चल जाता है पूरे परिवार का, और आज कुछ है ही नहीं। तो वह बार बार मांग मांग करके वह एकत्रित करता है पैसे को, फिर बाद में मेले में चला जाता है और बस एक ही बार में समाप्त करके खाली हाथ लौटता है। और वो भी मति यदि मान लो उसकी बिगड़ गई तो मेला भी नहीं कर पाएगा वो। ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, कई बार ये अनुभव देखे हुए हैं। मेले में प्रवेश करने के पहले ही गेट पर वहीं पर कुछ लोग देखने में आते हैं, समझते हैं आप, ताश पत्ती को लेकर के खेल दिखाते हैं और उसमें बच्चे उसको देखते, 2 मिनट देख लेते हैं वहां पर, 1 का 10, 10 का 20, हाँ ये सब हो रहा है, तो उस समय स्वयं को भी जो है मुंह में उसको पानी आ जाता है कि हम भी जो है मालोमाल हो जाएंगे, इसलिए जो भी पैसा लाया है वो पूरा लगा देता है और बस चला जाता है खाली हाथ। अब इस प्रकार संसारी प्राणी ने अपने ही पुरुषार्थ के बल पर पुण्य एकत्रित करता है और पुण्य उदय में जब आता है तो उसके लिए सामग्री मिल जाती है, उससे वह आकर्षित होकर के पुण्य का फल भोग लेता है। पुण्य अर्जन करते समय कथनचित हम कह सकते हैं कि आपके परिणामों में पवित्रता रहती है और उस समय धार्मिक क्षेत्र में भी वह आगे बढ़ सकता है, किंतु पुण्य का फल जब उदय में सामने आता है और पुण्य को भोगने के लिए यदि मान लो भाव उत्पन्न होते हैं उस समय निश्चित रूप से सिद्धांत कहता है पाप का ही अर्जन करता है, ये निश्चित है। महाराज पुण्य का उदय है, हम क्या करें? पुण्य का उदय होना अलग वस्तु, पुण्य के उदय में आपके सामने थाली आ सकती है, आती है, किंतु ग्रास कौन बनाएगा है? मुख में कौन देगा? आप स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा ग्रास बना रहे हैं ना, तो फल भोगने की इच्छा आपकी रही क्या? अपने आप ही ये क्रिया हो रही है, ये जड़ की क्रिया है क्या? ये जड़ की नहीं, चेतन की क्रिया है ये सब। उसमें जो चुनाव हो रहा है वह भी अपने आप नहीं होता, थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, उसमें जो आपके लिए रुचिकर है उसी ओर आपका हाथ जाता है। और सामान जो कुछ भी हैं
वो सौर दृष्टि नहीं जाती। ये चुनाव किसने किया है? चैतन्य क्या जड़ ने है? चैतन्य बनाया है और चुनावी वह स्वयं करता है। तो इस प्रकार प्रति समय संसारी प्राणी बाहरी पदार्थों को लेकर के, पंचेंद्र के भोग्य पदार्थों को लेकर के निरंतर वह राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं करता, और उन्हीं राग द्वेषात्मक भाव कर्म के माध्यम से ही आत्मा अपवित्र होती चली जा रही है। यहाँ पर अशुचि भावना के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अशुचि अर्थात अपवित्र, पहले आपके परिणाम अपवित्र हैं, ये ध्यान रखो। वस्तुतः बाहरी कोई भी वस्तु न इष्ट है न अनिष्ट है, न पवित्र है न अपवित्र है, किंतु आपके भावों के ऊपर ही वह पवित्र और अपवित्र के रूप में आता है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ, ये दो चीजें हैं। अपरिग्रह व्रत की भावना में ये बात आई है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ, ये दो प्रकार की वस्तु सामने आती हैं, उस समय उनको लेकर के राग द्वेष संसारी प्राणी करता है। ऐसी स्थिति में बंद करता चला जाता है, इनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे के शरीर को देख करके घृणा होती है संसारी प्राणी को, और अपने शरीर को लेकर के वो सुगंधित है क्या? आपका शरीर सुगंधित है तो अपने शरीर को लेकर के कभी घृणा नहीं होती, और दूसरे के शरीर को लेकर के दूसरे के मल आदि देख करके आपके ग्लानि होती है। क्यों? उसमें भी मेरा तेरापन लगा हुआ। अब बोलो, पवित्र वस्तु में तो फिर भी हम मान लेंगे ये मेरी वस्तु है तुम्हारी है, इसमें हो सकता है विकल्प, किंतु मल मूत्रादिक में भी मेरा तेरापन लगा हुआ है तभी उसको ग्लानी होती है, अपने मल से ग्लानी इसको नहीं होती। दूसरे की ओर दृष्टि गई तो ग्लानी चालू, और उसमें भी यदि क्या दूसरे की ओर दृष्टि जाती है उसमें भी ग्लानी हो यह अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ आप देख लो, डॉक्टरों को पूछ लो, मालूम पड़ जाता है। दूसरे की सेवा, सेवा क्या वह अपने ढंग से करते हैं, आप उस ओर दृष्टि नहीं रखो, लेकिन प्रतिदिन पेशेंट आते हैं और उनका ऑपरेशन आदि वो कर लेते हैं, उस समय सारा का सारा भीतर का माल बाहर आता है, उसकी गंध भी आती है, वह दृश्य देखने में घिना घृणास्पद वस्तु उसके सामने आती है, इसके उपरांत भी उसकी ओर उसकी दृष्टि क्यों नहीं जाती? केवल धन सामने आता है, ये सब गौण हो जाते हैं। पैथोलॉजी क्या है? क्या है बताओ? निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। हाँ, उस वस्तु के साथ कितना निकटता के साथ परीक्षण हो रहा है, दूर नहीं है, बिल्कुल पास पास है, उसका रंग रोगन उसका गंध आदि आदि सबका परीक्षण होता है, इसके उपरांत भी उसकी प्रति कोई ग्लानी नहीं होती है। क्या है इसके पीछे लक्ष्य? क्या है? ये करना ही है, इसके बिना चलेगा नहीं हमारा, क्योंकि वित्त के पीछे धन के पीछे संसारी प्राणी सब करने के लिए तत्पर हो जाता है, किंतु यदि उसकी पूर्ति नहीं होती है तो उसके प्रति फिर अरुचि हो जाती है उस कार्य के प्रति। इसलिए आचार्य ये कह रहे हैं कि वैराग्य के बिना ये संभव ही नहीं। सामने वस्तु का परिणमन देखने में आ रहा है, इसके उपरांत भी ये वस्तु का परिणमन है, इसमें हर्ष और विषाद करने से
हमारा ही इसमें हमारे लिए घाटा है, क्योंकि वस्तु तो वस्तु है। अतीत में अनंत बार इसने प्राप्त कर लिया, इसके उपरांत भी उस वस्तु के स्वभाव की ओर दृष्टि इसकी क्यों नहीं जाती है? ये विचित्रता है इसकी। बार बार इसलिए चिंतन करने के लिए कहा जा रहा है, और इसके सार संभाल में, इसको डेकोरेट करने में, इसको संस्कारित सुसज्जित करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करता है और अपने आप को बहुत ही सुंदर समझने लग जाता है, जबकि वह सुंदर है ही। इसीलिए ये सब अनित्य हैं। अनित्य भावना ऐसा नहीं कि वह उसका व्याख्यान हो गया इसलिए उसको बांध बूंद करके रख लो, ऐसा नहीं होता। अभी तो महाराज असुचि भावना के बारे में आप बताएंगे, अनित्य तो चला गया, अनित्य भावना चली गई, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो है वो दिखाते रहते हैं नाटिका है, और उसके माध्यम से अनित्य भावना चली गई, आचरण भावना आ गई, ये सब जो है मनोरंजन का रूप हो जाता है उनके लिए। आप क्या समझ रहे हैं उस चीज को? ये सारा का सारा परिणमन काल के माध्यम से निरंतर हो रहा है। आप इस किसको धोना चाह रहे हैं, किसको पवित्र बनाना चाह रहे हैं? जो अपवित्र वस्तु है उसको आप पवित्र बनाने की धारणा आपकी ये ठीक मानी जाएगी क्या? है मानी जाएगी? नहीं कह रहे हैं आप, नहीं कहना अलग वस्तु, नहीं कहते हुए भी पवित्र बनाने का जो कार्य है वो रुका हुआ नहीं है, इसलिए पवित्र नहीं हो सकता, केवल कथन हो गया है। कथने और करने की ओर दृष्टि रखेंगे तो सामने आ जाता है हम किसको धो रहे हैं, किसको साफ कर रहे हैं। शुद्ध रखना चाहिए शरीर को, मैं मानता हूं, किंतु उस ओर उसके स्वभाव की ओर दृष्टिपात भी तो करो। नहीं करेंगे तो उसके सार संभाल करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ, आगे के कार्य का हम ले रहे हैं। सुत पवित्रम दौवम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी देह निहितम जायदि घिनावनम सुत दुग्गंधम। अब देखो, सुट पवित्रम दौवम, बहुत अच्छे अच्छे पवित्र सुगंधित और सुरस सारे के सारे पदार्थ हैं, मनोहरम मन को आकर्षित करने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं, किंतु देह निहितम जायदे, जो ही इस देह के संस्कार संपर्क में आ जाते हैं, संसर्ग में आ जाते हैं, तो घिनावनम सुट दुग्गंध, वो सारे सारे पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। कर्पूर है, चंदन है, अगरू है, कस्तूरी है और सुगंधित फूल इत्यादि हैं, बस एक बार आप सूंघ लो गया हो, अब उसमें सुगंधि नहीं रहेगी, क्योंकि आपका संपर्क आया है, आपके संपर्क में आ करके वह अपवित्र हो गया है, वह स्वयं पवित्र था। इसके उपरांत भी इसकी दृष्टि जाती नहीं उस ओर। तो मैं ये कह रहा था, वस्तुतः राग द्वेष आदि भाव के द्वारा ही मन आपका निरंतर अपवित्र होता चला जा रहा है। आप शरीर को धो रहे हैं स्नान आदि के माध्यम से, सुगंधित वस्तुओं का लेप आदि करके इसको सुगंधित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इसके माध्यम से निरंतर आपके भाव अपवित्र होते चले जा रहे हैं। उस ओर दृष्टि हो तो ठीक नहीं है, तो ये चलेगा। इसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई रोल नहीं। हाँ, हम सम्यक दृष्टि है, तो ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि जो इन कार्यों से वह मुक्त है? बोलो, वह श्रद्धान किस काम का? श्रद्धान है हमारा बस। कोई भी पदार्थ न मनोज्ञ है न अमनोज्ञ है, न मेरा है न पराया है, इस प्रकार श्रद्धान भर हुआ है, इसके आगे उसके कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं,
और आचार्य ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का सिद्धांत तो तुमने कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन ये ध्यान रखना सिद्धांत के साथ साथ उसको आचरण का रूप यदि नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वह आपका सम्यक दर्शन भी मलिन होता 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 एक दिन वह समाप्त भी हो सकता है, आपको ज्ञात नहीं रहेगा।